क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट कंप्यूटर। टुडे वी विल लर्न अबाउट फीचर्स ऑफ विंडो 7। हम विंडो 7 के फीचर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहला होता है स्टार्ट मेनू। द स्टार्ट मेनू प्रोवाइड्स द प्राइमरी एक्सेस पॉइंट फॉर प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन ऑन योर थिंक पैड। जो स्टार्ट मेनू होता है वो क्या प्रोवाइड करता है? प्राइमरी एक्सेस पॉइंट किसके लिए? प्रोग्राम्स के लिए। किस एप्लीकेशन में? तुम्हारे थिंक पैड पे, ओके। सेकंड है टास्क बार एंड नोटिफिकेशन एरिया। दूसरा क्या होता है? टास्क बार और नोटिफिकेशन एरिया। द टास्क बार कंटेन 3 मेन कंपोनेंट्स। टास्क बार में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, द स्टार्ट बटन, द टास्क क्विक लॉन्च बार एंड सिस्टम नोटिफिकेशन एरिया। कौन कौन से होते हैं? स्टार्ट बटन होता है, टास्क क्विक लॉन्च बार होता है और सिस्टम नोटिफिकेशन एरिया होते हैं। विंडोज स्निपिंग टूल क्या होते हैं? थर्ड, विंडोज 7 इंक्लूड्स एन एप्लीकेशन टू कैप्चर, सेव एंड शेयर स्निप्ड इमेजेस फ्रॉम योर डेस्कटॉप। विंडोज 7 में एक एप्लीकेशन होती है जो किस चीज़ को कैप्चर करने के लिए होती है? कैप्चर करने के लिए, सेव करने के लिए और शेयर करने के लिए। किसको? इमेजेस को, स्निप्ड इमेजेस को डेस्कटॉप में से। उसके बाद फोर्थ है डिस्प्लेइंग टू अ एक्सटर्नल मॉनिटर और प्रोजेक्टर। डिस्प्ले करना एक्सटर्नल मॉनिटर और प्रोजेक्टर में। द थिंकपैड इज इक्विप्ड विथ वन और मोर एक्सटर्नल डिस्प्ले। जो थिंकपैड है वो इक्विप्ड किया जाता है एक से ज़्यादा एक्सटर्नल डिस्प्ले पे, वन या उससे ज़्यादा पे कनेक्टर, सो दैट यू कैन कनेक्ट टू एन एक्सटर्नल मॉनिटर। जिससे क्या कर पाओगे? आप एक्सटर्नल मॉनिटर पे कनेक्ट कर पाओगे और द मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, या फिर किस पे कनेक्ट कर पाओगे? मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर पे। उसके बाद होता है यूजिंग लोकल एरिया नेटवर्क्स, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क्स का किसका फॉर्मूला है? ये LAN का या फिर वाईफाई। द थिंकपैड इज कॉन्फ़िगर्ड टू एक्सेस बोथ वायर्ड एज वेल एज वायरलेस नेटवर्क रिसोर्सेज। थिंकपैड किसके भी काम आता है कि हम क्या कर सकें? नेटवर्क वायरलेस मतलब बिना तार के या फिर वायर्स के साथ उन्हें अटैच कर सके कंप्यूटर से। देन विंडोज़ एक्सप्लोरर फेवरेटीज़। उसके बाद क्या आते हैं? विंडोज़ एक्सप्लोरर फेवरेटीज़। फाइल सिस्टम फेवरेटीज़ आर क्विक लिंक्स टू स्पेसिफिक डायरेक्टरीज़। जो फाइल सिस्टम फेवरेटीज़ हैं वो क्विक होती हैं किसको? स्पेसिफिक डायरेक्टरीज़ को, लोकेटेड ऑन योर हार्ड ड्राइव। किस में होती हैं? हमारे हार्ड ड्राइव में लोकेट होती हैं। विंडोज़ एक्सप्लोरर लाइब्रेरीज़। उसके बाद लास्ट है, उसमें क्या होता है? लाइब्रेरीज़ आर एन ईजी वे टू कलेक्ट एंड ट्रैक डॉक्यूमेंट। लाइब्रेरीज़ क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा ईजी वे होते हैं क्या करने के लिए? कलेक्ट करने के लिए या फिर किसी डॉक्यूमेंट को ट्रैक करने के लिए ऑन योर कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर में। दैट आर रिलेटेड टू वन अनदर, जो एक दूसरे से रिलेट होते हैं बट आर नॉट नेसेसरी लोकेटेड इन द सेम डायरेक्टरीज। लेकिन दोनों एक ही डायरेक्टरीज या एक ही फोल्डर में लोकेट नहीं होते हैं, ओके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।